अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस चैनल। और कुछ लोग तुम से मुझे जानते होंगे, ठीक है, मेरा नाम माय नेम इज जस्पर एंड यू कैन आल्सो कॉल मी एसपी। और कुछ नहीं जानते तो क्यों जानते भाई, खैर जान जाओगे। सीन कुछ ऐसा है कि ये मेरा बेसिकली दूसरा चैनल है लाइफस्टाइल व्लॉग्स के लिए, और इससे पहले दूसरा जो एक मेरा चैनल है वो गाड़ियों वाला है, उसका तुम लोगों को पता होगा जो मेरा मेन चैनल है। तो बेसिकली इस चैनल में हमारा लाइफस्टाइल व्लॉग्स आया करेंगे इंशाल्लाह, और शुगल मेला चलता रहेगा हमारा। खैर आज हम जा रहे हैं मरीना बीच, और हम हैं दुबई में। दुबई में हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं अहमद खोकर। जो लोग खोकर को जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो खैर जानने की लोड़ भी कोई नहीं। और हमारे साथ दो और बॉयज हैं, शानी भैया और उसामे। खैर हम जा रहे हैं मरीना बीच। मैं आपसे पहले कभी मरीना बीच नहीं गया, तो लेट सी कि कैसा है, क्या सीन है। तुम लोगों को सारे सीन शीन दिखाते हैं, तो अगर अब तक तुम लोगों को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक चेक करके और बेल आइकन भी दबा दो, और लेट्स गो टू मरीना बीच। ऐ चेक करो 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 ट्यूशन तक क्या मरी बीच से चला है। बस हमारे पीछे आ चुकी है, और हम बस पे क्यों जा रहे हैं उसकी दो वजह है। हम लोग जैगुआर पे क्यों नहीं जा रहे? पहली वजह यह है कि हमारे पास अभी यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और दूसरी वजह यह है कि हमारे पास अभी जैगुआर भी नहीं है। खैर अभी हम जा रहे हैं बस पे, बस से आगे ट्रेन से आगे पता नहीं की साहब है यार। दुबई में ना यही है भाई, ना हमारे पास लाइसेंस है ना गड्डी है थे साढ़े को, तो सानू इधर ही जरील होना पैंदा। खैर बस आ गई है, दौड़ना पैना सानू स्टॉप तक, वरना फिर 25-25-30 मिनट और दोबारा बस का वेट करना पड़ता है। बस हमारी मिस हो गई है, तो अब हमें अगले आधा घंटा इधर खड़े होके अगली बस का वेट करना पड़ेगा यार। इससे अच्छा पाकिस्तान था, मैं इसकी डांस 70 स्टार्ट की और दौड़ जाओ। खैर वेट करते हैं बस का, बस लोगों को बॉयस में बताऊँ। ये है हमारे साथ शानी भाई और ये समा भाई, ठीक है, और जाके हमें समुद्र में गोते लगवाने दोनों। खैर कम मेरे से उठाना पै जाए तो हम इस तरह के लफाज का इस्तेमाल नहीं करते, और करते हैं हम लोग बस का वेट। बस से उतर के हम लोग भी आए इन द मेट्रो एंड शोरूम देख लो सामने। आए हाए हाए, इसका व्लॉग मैंने बनाया है, अगर देखना हो तो तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर नाउ वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द ट्रेन्स एंड लेट्स गो, ट्रेन से जाते हैं। और भाई जब भी मैं मेट्रो पे आता हूँ ना, तो हम लोग चढ़ जाते हैं गलती से दूसरी साइड की। शनि भाई सानू एक पुट्ठी आदत पई है ना दूसरी साइड से चढ़ने की, हम हमेशा गलत आ जाते हैं। खोखर और सामा उस साइड पर हैं, हम लोग अभी खुद गलत साइड पर आए खड़े हो गए हैं। खैर अब चलते हैं हम सही साइड पर और बैठते हैं मेट्रो के अंदर, और चलते हैं मरीना, और तुम लोग को सीधे जाके मरीना मिलते हैं। मेट्रो के अंदर हाल ही होता बनाने बुनने वाला भाई, सीधी सी बात है, कुछ अंडे ना मार दे, कुछ चीनी चुनी कुछ अंडे पे ही हुए। डीएमसीसी स्टेशन पे, और यहाँ से आगे पता नहीं किस पे जाते हैं, ट्रैम आई थिंक सो जाता है, लेट्स सी किस पे जाते हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट तक अभी पहली दफ़ा आया हूँ दुबई में, मैं इस पॉइंट तक नहीं आया, मैं मॉल ऑफ एमिरेट्स तक गया, दुबई इंटरनेशनल तक आया हूँ। तो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड टू सी, लेट्स गो आगे के हूँ। मेरे ख्याल से ट्रैम जाती है यहाँ से आगे। बॉयज ओए होए होए, चेक दिस सीन, पीछे सनसेट है जो कि हम बीच पे जाके देखेंगे, लेकिन क्या नज़ारा है। आय हाय हाय, ओए जिप लाइन जा रही है, ये किधर से जा रही है, ये पता नहीं कितों चली है, वो ऊपर से ना भाई, ये नहीं मेरे से ली जाएगी, सीधी सी बात है, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ हाइट्स, लेकिन कम से बड़ा मज़ेदार है यार। गरीब लोग आगे कहते हैं फोटो खींचे। बस सीन चेक करो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि दैट वी आर इन दुबई, ऐसा लग रहा है कि हम लंदन में फिर रहे हैं, हालांकि कभी गया नहीं लेकिन ऐसा ही है। ये चेक करो क्या सीन है बॉयज, क्या सीन है। वी आर ऑलमोस्ट देयर बॉयज, वो जो स्क्रीन नजर आ रही है उसकी बैक साइड बीच है, और बीच पे इस टाइम जो सनसेट का नज़ारा आना है, वो जालम नज़ारा होता है सनसेट का जो बीच पे होता है ना। मैंने बाकी बीचेस देखे हैं, तो बाकी बीच पे और भी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होंगी जो तुम लोगों को देखनी नहीं चाहिए। अगर तुम GTA प्लेयर हो तो तुम लोगों को पता होगा क्या क्या है, नॉन पीटीए चीज़ें होती है,
वो नहीं देखनी चाहिए। खैर अभी चलते हैं बीच पे, पहले खाने पीने के लिए कुछ लेने, क्योंकि जो है ना नाश्ता किया सुबह का मैंने और ढिड जो है ना वो खाली हो गया। शुक्र है इनको भी ख्याल आ गया, वरना मैं बेहोश हो रहा था बीच पे जाके। यार ये पॉइंट सही में लग रहा है कि हम लंदन में फिर रहे हैं और ना यहाँ पे गर्मी है और इतना मज़े क्रॉस जा रहा है कि फील ही नहीं हो रहा है कि हम दुबई में। हालांकि दुबई में अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन इतनी मज़े की बात जा रही है ना, आप लग ही नहीं रहा कि हम दुबई में। और ये सीन ना आहा, आए हाय हाय क्या नज़ारा है बॉयज़। और सनसेट भी होने वाला है, अभी हम सनसेट देखते हैं। अभी बॉयज़ फ़िलहाल यहाँ पे फोटोवा शूटवा ले रहे ने, खैर अभी ये फोटो शूटो लेके वेले होते हैं तो हम जाते हैं आगे। यार इधर से इतना प्यारा लग रहा है और पास जाके वो जो रिंग है ना, हाय हाय हाय। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई, वो देखो कॉर्वेट खड़ी हुई है। गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी आपको दिखाते हैं, लेकिन आज हम बीच देखने हैं। गाड़ियाँ देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा आपको। आए हाय 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 क्या सीन है, आए हाय। करीब जाके देखते हैं, सब्र करो दो मिनट। चेक दिस आउट बॉय, सीन चेक करो, कितना मज़े का यार। पाकिस्तान में हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती यार, वहाँ पे यॉच है, जेट स्कीज हैं एंड इन्वायरमेंट इज एक्चुअली वेरी गुड। वो सामने में अटलांटिस भी नज़र आ रहा है, वाह। खैर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा अपनी लत्ते छत्ते जो हैं वो पानी में लेके जाते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ पे पानी में जाना अलाउ नहीं करते, लेकिन मगरिब से पहले हम जितना जा के ट्राई कर सकते हैं। वी कैन सी एंड हियर वी आर एट द वाटर साइड बॉयज। क्या फिर जाके देखते हैं पानी कैसा है, ठंडा है कैसा है। एक्चुअली पानी का तो मुझे पता है ठंडा ही है, लेकिन मज़े की चीज़ें खाता हूँ मैं वो जाके। दो मिनट रुको ज़रा, यहाँ से सीधा पड़क रहा ना नीचे हो जाए, यहाँ से चलते हैं हम। एंड चेक द रश बॉयज, चेक कर बीच पे तू रश, चेक कर चेक कर। अभी हम जाके पानी, जूता यहाँ पे उतारते हैं यार, जूता गंदा ना हो जाए। जूता उतार के हम चलते हैं पानी में सीधा, और अब हम जा रहे हैं बॉयज पानी के अंदर। मज़े की चीज़ ये है कि यार पानी साफ है, कराची वाला साफ नहीं है इधर। चलो कराची वाला ने नस्त मारा होता, ओए 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 मोटा पानी यार, वेरी नाइस। इसे तो आगे नहीं जाना, मेरी फटती है। पानी में जाने की ट्राई नंबर टू, लेट्स गो। मैं हले 3D की मैग मैग देखी है ना, मेरी पार्टी पे ये फुल मच्छी ना निकल है कोई। यार इससे ज़्यादा नहीं ना, इससे आगे नहीं जाना। यह देख रहे हो बॉयज, ये तो जो दो बंदे हैं ना, ये शार्क मच्छी बने हुए हैं, मुझे चुक चुक के पानी के अंदर लेके जा रहे हैं। बड़ी औखा बच के आया हूँ यार, इतना काफ़ी है, गरम गरम नीम गरम सा पानी है, इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत क्या है। ऐसे इंजॉय करे बंदा पागला तरह, मैंने सीट के अंदर लैके जाते पे ने, वो देखो काबली एक्वामैन जाता पे है यार। ये तो दो बंदे है ना, मैंने लगा रहे गोते। ये शानी भाई है ना, ना इतना बड़ा है, इससे ज़्यादा के आगे नहीं आता मैं। लै भी एक और बछिंदा आ गया, लाहौर नहर च नहा भी लाहौर नहर च डुबकी मारने लगा जे है गया। तो वो ये सनसेट जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ठीक है, और इतना कोई प्यारा सीन है ना यहाँ पे सनसेट का, यार सुकून है, पीस है, बहुत मज़े का सीन है सनसेट का यहाँ पे। और ये जब ऐसे दोस्त हो ना, बार बार कुत्ते लगा रहे मैंने फड़ के। बॉयस चेक करो, पाँव में सील्स आ रहे हैं। ये कराची होता तो यहाँ पे भैंस की अंकटियाँ टैर दी जाती हैं कराची के अंदर। सनसेट हमने देखा यहाँ पे मरीना में, इतना कोई प्यारा सनसेट है यार, इतना कोई पीसफुल जगह है, कसम चस आ गई बीच पे। पहले भी बीचेस पे गया हूँ लेकिन दिस वन वाज द बेस्टेस्ट। और अभी फिलहाल हम और एक्सप्लोर करते हैं कि बीच पे क्या क्या चीज़ें और देखने को हैं। और आई थिंक सो यहाँ पे सुपर कार्स भी खड़ी होती हैं आगे, तुम लोगों को वो भी दिखाते हैं जाके। शानी भी खड़ी होती है ना गाड़ियाँ, हाँ तुम लोगों को गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी दिखाते हैं जाके। और खैर बहुत मज़े की वाइब है यार, इस जगह की वाइब भी अलग है, कराची से तो बहुत बेहतर है। कराची का बीच मैंने देखा, कराची वाले पता ही कर देने सारा, छः दिन हफ्ते दे मंडे से लेकर सैटरडे तक नाले का पानी फेंकते हैं उसके अंदर, समुंदर के अंदर, और सवाल वाले दिनों से मुँह खोल के बहन देने। इसलिए यार एक चीज़ है कि ऑलवेज़ क्लीन योर इन्वायरमेंट, समुंदर नहर शहरें अपनी पास साफ रखनी चाहिए, तो ये चीज़ सीखनी चाहिए आपको यार। कराची का बीच बहुत गंदा है टू बी ऑनेस्ट,
नो ऑफेंस बट बीच गंदा है, जो चीज़ है गंदी है वो गंदी है। खैर तुम लोग भाई हो, कराची वाले भी भाई हैं, लेकिन बीच गंदा है तुम लोगों का। अपनी सड़कों को, अपने बीच को साफ रखना चाहिए हमेशा। खैर अभी हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। बॉयज चेक दिस आउट यार, कितना हसीन मंजर है, कितना हसीन मंजर है। दिल करता है बस यहाँ पर बैठ के ये साइड देखते रहो यार, कितना हसीन मंजर है। दुबई की अपनी चेस है भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान है, लेकिन यार वो देख रहे हो वहाँ पे वो जो खुली हुई है अम्ब्रेलाज, कितनी प्यारी लग रही हैं वो सामने। हाय हाय हाय। और ये जो है ना बहुत मज़े का, हमारे जो दो अनमोल रतन है ना, एक खोखर और एक और बॉय अपना, वो पता नहीं कपड़े बदलने के लिए चले गए हैं और अब मिल ही नहीं रहे हमें। और ये पाकिस्तान होता तो अभी इधर ऐलान करा छड़ना था कि अहमद खोखर इतने तशरीफ लै हो, लेकिन इतने सू बंदर लभद नहीं पे। मोबाइल उनके जो हैं वो हमारे इस बैग के अंदर हैं और बंदे हमारे गायब हुए हैं। अच्छा पड़ गया यार ये तो। चेक दिस सीन आउट, हाउ मच पीसफुल दिस सीन इज यार। ये दिस इज द ब्रिज दैट्स गोइंग दैट साइड एंड लेट्स गो टू द ब्रिज। और यार बहुत प्यारा सीन है, रात को तो मरीना की तो चस ही अलग है। बुर्ज अरब है एंड देयर इज एटलांटिस। और यार ये बेसिकली जो है हमें छतरियाँ लग रही थी, पता नहीं की चीज़ है, और वो आ गया है हमारा फेरिस व्हील। एंड नाउ लेट्स गो टू दैट साइड, उस साइड पर जाके देखते हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर ब्लॉक करते हैं एंड आगे जाके। ओ नजर हुरकन, अभी देखना बॉयज मंडा मारता तो बगा। कितना ठंडा ड्राइवर है यार, बगा ही नहीं रहा, इतना खाली रोड है आगे। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेरिस व्हील, फेरिस व्हील वो जो घूमने वाला झूला होता है ना। कितने खैर पिंडा तो तुम लोग हो गए, तुम्हें पता होगा, लेकिन दिस वन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है। इससे पहले आई थिंक सो यूके में था और कनाडा में भी है, लेकिन दिस वन इज़ द मोस्ट बिगेस्ट। वो 2014 में था लेकिन ये 2020 में कंप्लीट हुआ है और अभी ये ऑफ है, मतलब बंद है ड्यू टू मेंटेनेंस। ये दिसंबर में खुलेगा। ओए बॉयस चेक दिस थिंग आउट, इट्स अ लैम्बोर्गिनी हुरकन। ज़ालिम यार बहुत प्यारी गाड़ी है, इट्स अ लैम्बोर्गिनी हुरकन। पीछे तो दिखाओ तुम लोगों को, एक मिनट चेक दिस आउट, की बजी है। ओए होए नाइस यार। बॉयज चेक दिस आउट, इट्स अ चैलेंजर। और भी गाड़ियां जगह तो सब्र करो। दिस वाज द स्पॉट आई वाज टॉकिंग अबाउट बॉयज, यहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। खैर ये नॉर्मल ही हैं यार, फिरारीज हैं, तो मैंने पहले बड़ी दफा देख ली है। फिरारी SF एंड वी हैव गॉट अ हुरकन हियर। वाह पीछे वाली खड़ी है यार, ये है लोटस, इट्स अ लोटस। ये भी मैंने पहले देखी है, खैर व्लॉग ही नहीं बनाया इसका, वो ब्रॉबस G63 यार, ये मुझे बड़ी पसंद है यार, G63 पे दिल आ गया उसमें। बॉयज चेक दिस आउट, आई थिंक सो इट्स अ गोल्ड फॉइल्ड लैम्बोर्गिनी हुरकन। कलर इज कस्टम कलर है, बट आई थिंक सो इट्स गोल्ड फॉइल्ड, सेक्सी यार। तो बॉयज दिस वॉज द व्लॉग, थक कार के टुट भज के बैठे हैं हम लोग साइड में, रोटी खाएंगे जाके। तो व्लॉग यहाँ पे एंड करते हूँ, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो यू कैन लाइक द व्लॉग एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।